झाबुआ जिले के थानला में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक झाबुआ के रईस खान का हिंदू विवाहिता स्त्री को भगाकर ले जाने से हिंदू समाज आक्रोशित है, पुलिस की नाकामी पर भी रोष व्यक्त किया। थानला सकल हिंदू समाज संगठनों ने एकजुट होकर लव जिहाद पर पुलिस प्रशासन की नाकामी पर रोष व्यक्त करते हुए नगर की मुख्य गलियों में उनके खिलाफ नारेबाजी की और रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस कप्तान के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि लव जिहाद साजिश के तहत मुस्लिम युवक और उनके साथियों के हिंदू विवाहिता महिला को भगाकर ले जाने के चार दिन बाद भी पुलिस न तो उनकी तलाशी कर रही है, न ही उस मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा, यदि पुलिस प्रशासन को 24 घंटे में महिला को सही सलामत ढूंढ ले आता है तो ठीक है, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। झगना उदा से मनीष कुमुट की रिपोर्ट। ऐसा है कि अभी 2 माह पूर्व यहीं से थानला नगर से एक राठौर समाज की ही एक बहू, जिसका विवाह हुआ और मात्र साल भर हुआ था, उस बहू को, बहू बेटी को यहाँ से और सरेआम यहाँ से अपहरण किया जाता है। जो अपहरण करता है उसका नाम लिखाया जाता है, नाम जब पता होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। कहा जाता है कि गुमशुदगी में है ये, तो FIR नहीं करी जाती है। और जब आरोपी का पूरा मालूम है, लड़की की बहन जो है उसके मायके में बता रही है कि ये फला फला व्यक्ति ये गुंडा लेकर गया मेरी बहन को और ये हमको पूरे परिवार को धमकी देता था, इसके बाद भी उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। वो तो हिंदू समाज वहाँ पर एकत्रित हुआ जावरा में और उसका शक्ति प्रदर्शन देखते हुए उसको गिरफ्तार करके लाए। इसके बाद जो बहू, जो चूल्हे चौके से जिसको फुर्सत नहीं है, उसको ऐसा पढ़ाया गढ़ाया जाता है कि उस गुंडे के समर्थन में वो इंदौर जाकर और वहाँ पर वकील के साथ पेश होती है और बताती है कि मुझे ये फला व्यक्ति नहीं लेकर गया, ये पूरा षड्यंत्र रहता है उसको बचाने का। ऐसी घटना अभी ये कुछ दिनों, 4 दिन होने के बाद ये घटना यहाँ पर घट गई। और ये घटना तो ऐसी है कि उनके घर के वहां से बहू, 1 महीना हुआ, 1 माह बीतता है और घर के सामने से उठाकर उसको ले गया मुस्लिम गुंडा, झाबुआ रहने वाला, रईस नाम बता रहे हैं उसका, सब जानते हैं। इसके बाद भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख रहे हैं वहां पर, FIR लिखने को तैयार नहीं है पुलिस प्रशासन। तो संगठन नहीं, पूरा सर्व समाज, पूरा हिंदू समाज एकत्रित हुआ है और 24 घंटे में उस जो मुस्लिम गुंडा है जिहादी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन करने की भी हमारी तैयारी रहेगी। पूरे जिले में जैसा निर्देश मिलेगा वैसा कर सकते हैं। ज्ञापन सौंपा है, इसमें जो बात लिखी गई है इसके बारे में मैं अभी तुरंत बात करूंगा और जिले में कलेक्टर महोदय से भी मैं बात करूंगा और इसका उचित हल निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे FIR दर्ज नहीं हुई तो मैं अभी DP साहब और के साहब से बात करूंगा और आगे की कार्यवाही करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।